तू जिंदा वल्ला तू जिंदा वल्ला तू जिंदा वल्ला तू जिंदा वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से देखिए अल्लाह का नबी जिंदा होता है मिशकात की अल्लाह का, अल्ला का नबी जिंदा होता है और उसे अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि नबियों के जिसम को, को खाए तो जमीन पे हराम है अब मैं कहता हूँ जब कुरान कह रहा है वाला तकयलुफ़ी सबी अम्बात बल तो जब जब शहीद जिंदा है, शोहदा जिंदा है और वो जिंदा होते हैं हमें शौर नहीं उनकी जिंदगी का जब शोहदा जिंदा होंगे तो अंबिया की जिंदगी कैसी होगी जब हदीस में वाज पर आ गया कि अल्लाह का नबी जिंदा होता है उन्हें रिस्क दिया जाता है तो उनको रिस्क मिल रहा है तो बताएं जब अम्बिया सारे जिंदा हैं तो ताइदारे अम्बिया कैसे होंगे कायदे मुसलिन कैसे होंगे खातमनबीन कैसे होंगे अरे वो तो जिंदगी देने वाले हैं जिंदगी बख्शे हयात बख्शे वो तो लोगों को जिंदा कर देते हैं बल्कि मुर्दों को जो जिंदा कर दे उसकी जिंदगी कैसी होगी बेजान के अंदर वो रूह पैदा कर दें है 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 है। तो उनकी जिंदगी कैसी होगी आज मेरे आका की बारगाह में उम्मती का नाम अमाल पेश होता है अच्छे होते हैं तो मेरे आका दुआ फरमाते हैं और अगर बुरे हों तो आपका कल्ब मलूल में आता है आपको दुख पहुंचता है तो बताएं आज भी आप सलाम करें तो आका की बारगाह में पेश किया जाता है और आका की रूह लुटाई जाती है पूरी दुनिया में चौबीस घंटे दूर दो तो सलाम पड़ा जा रहा है और आकर बारगाह में पेश किया जा रहा है तो अंदाजा करें मेरे नबी की जिंदगी क्या है तो मेरे इमाम ने कसम खाकर बताया है ना क्योंकि बेदारी के हालत देख चुके हैं जागते हुए देखा है ना और कह रहे हैं कि दिलों के हालात सरकार पर पहुंच जाते हैं जो हम मशक्क़त में पड़ते हैं हुजूर को मालूम होता है फिर कह रहे हैं तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले साहब मुझे ऐसा लगता है सैदी आला हजरत ने जब ये शेर कहा होगा ऐसा था कुछ ना बल बहस कर रहे थे आला हजरत चूंकि आशिकों के इमाम जज्बात में आ गए होंगे और उन्हें इतने जज्बा में आए कि उन्होंने एक ही मिसरे में दो मरतबा कसम उठाकर ये बात कही क्या बात कर रहे हो तुम किस बहस में उलझे हुए हो हैं नबी की शान नबी की जिंदगी की बात करते हो बाँ 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 या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अरे देखने की बात करते हो तो एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई हो है अल्लाह हू अकबर तो मुझे ऐसा लगता है कि आला हजरत ने जज्बाती होकर ये बात कही होगी कि तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से चुप दूसरे मकाम फरमाए ना आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे दीदा एक और को क्या आए नजर वो क्या देखे जो आंख वाले होते हैं ना वो सारे नज़ारे दिखते हैं वाँ वाँ। और जो मेहरू में तमन्ना रहते हैं उन्हें क्या नज़र आ सकता क्या है सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीम जानने के लिए अभी हाफिज़ शायर खादर का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके